हेलो गाइस, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट स्कूल। स्कूल क्या है? विद्यालय, यानी कि विद्या प्लस आलय, जहाँ पर हम विद्या को ग्रहण करते हैं या फिर जहाँ जाकर हम अपनी एबिलिटीज़ को और ज़्यादा मैच्योर करते हैं, उसे हम स्कूल कहते हैं। समाजीकरण का सबसे पहला जो था इनफॉर्मल, जो सोशलाइजेशन है वो दो कैटेगरीज में है, इनफॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल में है हमारे पास स्कूल और इनफॉर्मल में है हमारे पास फैमिली, क्योंकि फैमिली में जो भी कुछ हम सीखते हैं वो इनफॉर्मल होके सीखते हैं। कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता वहाँ पे, जहाँ पर भी हम कुछ ना कुछ क्राइटेरिया फिक्स करके सीखते हैं वो हमारा क्या होता है, फॉर्मल। तो स्कूल क्या है? हमारी फॉर्मल एजेंसी है सोशलाइजेशन की। हमारे पास जो स्कूल शब्द है वो लैटिन भाषा के स्कॉल से लिया गया है, जिसका मीनिंग था खाली समय में अवकाश, यानी कि जहाँ पर खाली समय में हम जिसमें हम खाली समय में बैठकर अपना टाइम पास करते थे। तो टीपी नन के अनुसार विद्यालय बच्चों के विकास का स्थान है। विद्यालय क्या है? जहाँ पर बच्चों का विकास होता है वहाँ उसे हम क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। टाइप्स, दो टाइप्स के होते हैं विद्यालय, ट्रेडिशनल स्कूल और मॉडर्न स्कूल। ट्रेडिशनल स्कूल वो स्कूल थे, ट्रेडिशनल स्कूल और मॉडर्न स्कूल, ट्रेडिशनल स्कूल वो थे जो गुरुकुल थे, जहाँ पर जो बच्चों को छोड़ दिया जाता था कि वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके ही घर आते थे। वहाँ पर जो एजुकेशन थी वो टीचर सेंटर थी, टीचर जो थे वो अपने हिसाब से एजुकेशन को कराते थे, वहाँ बच्चों का इंटरेस्ट नहीं पूछा जाता था। जिस कैटेगरी से बच्चा आता था वो उसी कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही सीखता था, चाहे उसका इंटरेस्ट किसी में भी है। और आजकल हम मॉडर्न स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो कि क्या है, हमारे पास चाइल्ड सेंटर्ड है। पूरा का पूरा करिकुलम चाइल्ड की मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। फर्दर अगर आगर जाकर बच्चा कुछ सीखना चाहता है, अपना चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ करना चाहता है तो कर सकता है, लेकिन ट्रेडिशनल स्कूल्स में ऐसा नहीं था। उसके बाद है हमारे पास नीड्स ऑफ स्कूल। नीड्स क्या थी स्कूल की, क्यों ज़रूरत पड़ी हमें स्कूल की, ये क्या है? एक फॉर्मल एजुकेशन का बेस्ट तरीका है, बेस्ट मीन्स ऑफ फॉर्मल एजुकेशन फॉर प्रिपेयरिंग द सोशल लाइफ। समाज में कैसे रहना है, वहाँ के लोगों को कैसे डील करना है, ये हमें स्कूल सिखाता है। सामाजिक में क्या प्रॉब्लम है, हमें क्या सोसाइटी में प्रॉब्लम्स आ रही है, कौन सी कुरीतियों को हमने दूर करना है, ये हमें क्या है, स्कूल द्वारा ही बताया जाता है। विशेष शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने के लिए बच्चों को या क्या है, एक एजुकेशनल सा एनवायरनमेंट प्रदान करता है और बच्चे का क्या है, सर्वांगीण विकास करता है। उसके बाद है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल या फिर इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड, यानी कि उसका स्कूल का क्या रोल है। सेम एज हमने उसी की तरह करना है फैमिली की तरह, भावात्मक विकास, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, चारित्रिक विकास, व्यावसायिक विकास। एक है नेतृत्व, यानी कि जो बच्चा है वो जब स्कूल जाता है ग्रुप बनाने शुरू कर देता है, तो वहाँ पे क्या है, उनको लीड करता है, तो उसका नेतृत्व विकास हो जाता है। उसके बाद आध्यात्मिक विकास, उच्चतर मूल्यों का विकास, स्कूल के पश्चात अनुकूलन, राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय का विकास और माता पिता की शिक्षा, यानी कि अन सब चीज़ों का विकास जो है बालक के अंदर होने लगता है। उसके बाद है वर्क ऑफ स्कूल, स्कूल का क्या कार्य है। नागरिकों में सुंदरन चित्रण का विकास, यानी कि जो उनमें क्या है, बताना है कि अब तुमने बड़े होकर कौन सी कुरीतियों को ख़त्म करना है, एक अच्छे नागरिक की ओर उनको अग्रसर करता है। सामुदायिक प्रशिक्षण देना, उन्हें समूह के क्या नियम हैं, समाज के क्या नियम हैं, किसके अकॉर्डिंग उसने काम करना है, इन सब का उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। देशभक्ति की भावना दी जाती है, अपने स्वास्थ्य के प्रति या उस देश के स्वच्छता के प्रति उसको सचेत किया जाता है, उसके बारे में उसे प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके बाद है डीमेरिट्स ऑफ स्कूल। डीमेरिट क्या है, इसमें है अलोकतांत्रिक समूह, यानी क्या है, इसमें जो समूह है वो अलोकतांत्रिक होता है, बच्चों खुद नहीं चूज़ करते, टीचर उसे चूज़ करवाते हैं। तो अगर टीचर चूज़ कराते हैं तो बच्चों का इंटरेस्ट नहीं होता, वो वहाँ से क्या हो जाता है, डीमोटिवेट। बच्चों की उपेक्षा, यानी कि किसी को प्रेफर ज़्यादा करना, किसी को कम करना, वहाँ से बच्चा जो है मानसिक तौर से परेशान हो जाता है। सिद्धांतिक एवं कठोर, यानी कि न्यूमेरिकल है ज़्यादा, बच्चे को प्रैक्टिकली नहीं कराया जाता, तो वहाँ पे भी क्या है, बच्चा जो है अरुचि पैदा कर, बच्चों के अंदर अरुचि हो जाती है, जिससे वो उसको बोरिंग समझने लगता है। सहगामी गतिविधियों का अभाव, यानी कि को करिकुलर एक्टिविटी नहीं होती, जिससे बच्चा जो है पढ़ाई में ज़्यादा बिजी रहता है, उसके माइंड पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, और बच्चे को ऐसी शिक्षा नहीं दी जाती जैसे कि वो अपना आगे रोजगार चला सके, व्यावसायिक शिक्षा नहीं है।
अमनोवैज्ञानिक और दूषित वातावरण, अयोग्य अध्यापक, यानी जो अध्यापक हैं वो भी बहुत ज़्यादा प्रशिक्षित नहीं हैं ताकि जो बच्चे को आगे जाके उनका डेवलपमेंट कर सकें।